इतनी देर कब से वेट कर रही हूँ? आई एम सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। मेरे बॉस है ना, वो बहुत कुछ हैंड ओवर कर रहे थे आज, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। सॉरी। अब तो ऐसे ही हुआ करेगा, हीरो जो बन गए हैं आप, मीटिंग से भी लेट आया करेंगे। पता नहीं बेगम के लिए भी टाइम मिलता है या नहीं। कैसी बातें कर रही हो? तुम मेरी प्रायोरिटी हो और हमेशा रहोगी, समझी? और एक और रीजन भी है जिसकी वजह से मुझे देर हो गई। जानती हो, ये तुम्हारे चेहरे की खुशी इस डायमंड से भी ज्यादा कीमती है मेरे लिए। तुम बहुत अच्छे हो ज़हीन। मैंने तो तुम्हें सिवाय परेशानियों के और कुछ नहीं दिया। मेरी मोहब्बत, ये जॉब की तरक्की, सब तुमने अपनी मेहनत और लगन से हासिल किया है। तुम्हारी नीयत साफ थी, तुम्हारे जज्बे सच्चे थे, इसी वजह से अल्लाह ताला ने तुम्हें इनाम दिया। आज पता नहीं क्यों मुझे नए घर की जरूरत महसूस हो रही है। तुम्हारा क्या ख्याल है? इस घर ने मुझे बहुत खुशियां दी हैं, बहुत मेमोरीज हैं यहाँ मेरी। इसने मुझे तुम्हें दिया है, बहुत वैल्यूएबल है ये मेरे लिए। पर तुम जिस हवाले से बात कर रहे हो वो भी गलत नहीं है। हाँ, खुशियां तो घर वालों के दम से होती हैं। जहाँ घर वाले होते हैं खुशियां भी वहीं होती हैं। अच्छा चलो, मैं खाना लगाती हूँ, बहुत भूख लग रही है। तुमने आज फिर से खाना नहीं खाया? कैसी बातें कर रहे हो, मैं तुम्हारे बगैर खाना खा सकती हूँ? चलो हम बाहर खाना खाएंगे, चलो। सही, तुम बहुत थक गए हो, हम डिनर कभी बाद में करेंगे, अभी हम यहीं खाना खाएंगे। हम डिनर बाहर से ही करेंगे, अपने लेट आने का फाइन अदा करना है मुझे। कोई बात नहीं, चेंज करते हैं दोनों और चलो। चलो उठो।